Warriors. कई साल पहले आबादी से बहुत दूर एक शैतान और उसकी फौज को कैद कर दिया गया था। ये जरासीम का बादशाह और हम सब का दुश्मन जरमून है। जो अभी अपने मैले कुचैले साथियों के साथ बीमारियां फैलाने के जुर्म में बंद है, आज भी जरमून कैद में इस जर्मोमीटर पर नजर टिकाए बैठा है। जब तक बच्चे सफाई का ख्याल रखेंगे वो जरमून से महफूज रहेंगे, मगर गंदी आदतों की वजह से ये जर्मोमीटर फुल हो गया तो जरमून आजाद हो जाएगा। अली, तुमने देखा कल कैप्टन ने क्या छक्का लगाया? सारा, इससे तो बड़ा छक्का मैं लगा सकता हूँ। प्रेस राइट, और इसके जैसे कैचेस भी पकड़ के दिखा दो। भाई, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं वर्ल्ड कप के लिए। मैंने तो टी शर्ट भी ले रखी हैं। बहुत मजा आने वाला है। लेकिन इस एक्साइटमेंट के साथ साथ हमें पाकिस्तान की जीतने की दुआएं भी करना है। इस बार तो हम जरूर जीतेंगे और क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान आएगा। हम खुद जाकर देखेंगे पूरे स्कूल के साथ। बढ़ाओ बढ़ाओ जरासीम बढ़ाओ, जल्दी से मुझे आजाद कराओ। मुझे पता था कि तुम बच्चों की गंदी आदतों की वजह से मैं जरूर आजाद हो जाऊंगा। हो गया हूँ अब मैं आजाद, कर दूंगा सबको ही बर्बाद। बारह महीने में 12 तरीके से बीमारियां फैलाऊंगा रे। इनके हाथों से चिपकते रहो मैलो कुचैलो और घुस जाओ इनके गले में। बीमार कर दो इन्हें मैले कुचैलो। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से बच्चों के बीमार होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। मुल्क भर के बच्चे फ्लू, डायरिया और दीगर इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। सारा, रिस्क को लेकर जल्दी डॉक्टर डी के सीक्रेट रूम में पहुँचो। इन बीमारियों की लहर की लपेट में पाकिस्तान क्रिकेट हीरोज भी आ गए हैं। पाकिस्तान टीम के कप्तान बीमार, ऐसे में टीम एक लीडर और बेहतरीन प्लेयर से महरूम। एक और अपडेट, फास्ट बॉलर खान और ओपनिंग बैट्समैन अब्बास बीमार होने की वजह से मैच नहीं खेल सकेंगे। मैच में उनके न होने से पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस बहुत कम होंगे। दूसरी स्क्रीन पे देखो मैले कुचैलों को, ये तो हर जगह फैल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है जर्मून आजाद हो गया है। याद है ना, डॉक्टर डी ने हमें जर्म और बीमारियों के बारे में क्या बताया था? बच्चों, जरासीम पर मेरी रिसर्च मुकम्मल हो गई है और मैंने जरासीम के खिलाफ एक ऐसा हथियार डिस्कवर किया है जो आपको पूरे 24 घंटे की लगातार शिक शिक हिफाजत देगा। मैं तुम्हें ये डेटॉल जेम्स दे रहा हूँ,
जिससे तुम्हें मिलेगी शिक शिक पावर और तुम बनोगे डेटॉल वॉरियर। याद रखो, जरासीम का बादशाह जरमून हम सबका दुश्मन है, वो हम पे किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। डेटॉल वॉरियर्स, तुम्हें अपनी और इस मुल्क की हिफाजत करना होगी। डेटॉल जेम्स लगा के हमें शिक शिक पावर मिलेगी। The Brave. Sama the Wise. Riz the Energetic. हम हैं डेटॉल वॉरियर्स। पाकिस्तान के बच्चों, आओ आज से अहद करें कि डेटॉल को बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें मिल सके 24 घंटे की जरासीम से लगातार हिफाजत, और हम डेटॉल की शिक शिक पावर से जर्मून को हरा सकें। डेटॉल वॉरियर्स, दिखा दो अपनी शिक शिक पावर। काम बड़ा कदम बड़ा कदम बड़ा सोच नहीं काम बड़ा जर्मून, हम आ रहे हैं। डेटॉल वॉरियर्स, दिखा दो अपनी शिक शिक पावर। मेले कुचेलो अटैक। Yeah! Yeah!
स्वॉर्ड्स को मिलाना होगा। कप का फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, दोनों टीम्स ग्राउंड में। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होने वाला है। आखिरी बॉल और जीतने के लिए चाहिए 6 रन। कैप्टन आगे बढ़े और ये लगा छक्का। पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया। वेल डन पाकिस्तान। वेल प्लेड बॉयज। माना कि ये छक्का मैंने लगाया, लेकिन असल मैन ऑफ द मैच ये डेटॉल वॉरियर्स है, इसलिए ये वर्ल्ड कप डेटॉल वॉरियर्स के नाम। थैंक यू डेटॉल वॉरियर्स। थैंक यू कैप्टन खान। फ्रेंड्स, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को जिताया है। डेटॉल की शिक शिक पावर लेकर हर बच्चा डेटॉल वॉरियर है, मगर जरासीम 24 घंटे हमारे लिए खतरा बने रहते हैं, इसीलिए हमें चाहिए डेटॉल की 24 घंटे वाली शिक शिक हिफाजत। इन गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। बाकायदगी से डेटॉल सोप से हाथ धोएं, डेटॉल सोप से नहाएं और आप भी बन जाएं डेटॉल वॉरियर। डेटॉल वॉरियर्स बनके हमें रहना होगा हर दम तैयार। शिक शिक, क्योंकि जब सेहतमंद होगा पाकिस्तान तभी तो बढ़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। सोच नहीं कम बड़ा। सो किड, क्या आप बनना चाहते हैं मेरी तरह डेटॉल वॉरियर? तो आज ही www.detolwarriors.com पर जाकर रजिस्टर करवाएं और पीओ बॉक्स 625 पर डेटॉल के रैपर्स भेजे और आप भी बन जाए डेटॉल वॉरियर्स। शिक शिक, बना ले सादत को, रखे साफ आंखों को, बना ले सादत को, रखे साफ आंखों को। डेटॉल का तराना है, पाकिस्तान बढ़ाना है। डेटॉल का तराना है, कदम बढ़ा कदम बढ़ा। डेटॉल का तराना है, पाकिस्तान बढ़ाना है। डेटॉल का तराना है, कदम बढ़ा कदम बढ़ा। पता चला पढ़ाई में कदम बढ़ा है, जिंदगी सफाई में कदम बढ़ा। अपनी ताकत पर यकीन रखती है ये सरजमीं, अपनी ताकत पर यकीन रखती है ये सरजमीं। डेटॉल का तराना है, पाकिस्तान बढ़ाना है। डेटॉल का तराना है, कदम बढ़ा कदम बढ़ा।
Warriors. कई साल पहले आबादी से बहुत दूर एक शैतान और उसकी फौज को कैद कर दिया गया था। ये जरासीम का बादशाह और हम सब का दुश्मन जरमून है। जो अभी अपने मैले कुचैले साथियों के साथ बीमारियां फैलाने के जुर्म में बंद है, आज भी जरमून कैद में इस जर्मोमीटर पर नजर टिकाए बैठा है। जब तक बच्चे सफाई का ख्याल रखेंगे वो जरमून से महफूज रहेंगे, मगर गंदी आदतों की वजह से ये जर्मोमीटर फुल हो गया तो जरमून आजाद हो जाएगा। अली, तुमने देखा कल कैप्टन ने क्या छक्का लगाया? सारा, इससे तो बड़ा छक्का मैं लगा सकता हूँ। प्रेस, राइट, और इसके जैसे कैचेस भी पकड़ के दिखा दो। भाई, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं वर्ल्ड कप के लिए। मैंने तो टी शर्ट भी ले रखी हैं। बहुत मजा आने वाला है। लेकिन इस एक्साइटमेंट के साथ साथ हमें पाकिस्तान की जीतने की दुआएं भी करना है। इस बार तो हम जरूर जीतेंगे और क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान आएगा। हम खुद जाकर देखेंगे पूरे स्कूल के साथ। बढ़ाओ बढ़ाओ जरासीम बढ़ाओ, जल्दी से मुझे आजाद कराओ। मुझे पता था कि तुम बच्चों की गंदी आदतों की वजह से मैं जरूर आजाद हो जाऊंगा। हो गया हूँ अब मैं आजाद, कर दूंगा सबको ही बर्बाद। बारह महीने में 12 तरीके से बीमारियां फैलाऊंगा रे। इनके हाथों से चिपकते रहो मैलो कुचैलो और घुस जाओ इनके गले में। बीमार कर दो इन्हें मैले कुचैलो। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से बच्चों के बीमार होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। मुल्क भर के बच्चे फ्लू, डायरिया और दीगर इन्फेक्शंस का शिकार हो रहे हैं। सारा, रिस्क को लेकर जल्दी डॉक्टर डी के सीक्रेट रूम में पहुँचो। इन बीमारियों की लहर की लपेट में पाकिस्तान क्रिकेट हीरोज भी आ गए हैं। पाकिस्तान टीम के कप्तान बीमार, ऐसे में टीम एक लीडर और बेहतरीन प्लेयर से महरूम। एक और अपडेट, फास्ट बॉलर खान और ओपनिंग बैट्समैन अब्बास बीमार होने की वजह से मैच नहीं खेल सकेंगे। मैच में उनके न होने से पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस बहुत कम होंगे। दूसरी स्क्रीन पे देखो मैले कुचैलों को, ये तो हर जगह फैल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है जरमून आजाद हो गया है। याद है ना, डॉक्टर डी ने हमें जर्म और बीमारियों के बारे में क्या बताया था? बच्चों, जरासीम पर मेरी रिसर्च मुकम्मल हो गई है और मैंने जरासीम के खिलाफ एक ऐसा हथियार डिस्कवर किया है जो आपको पूरे 24 घंटे की लगातार शिक शिक हिफाजत देगा। मैं तुम्हें ये डेटॉल जेम्स दे रहा हूँ,
जिससे तुम्हें मिलेगी शिक शिक पावर और तुम बनोगे डेटॉल वॉरियर। याद रखो, जरासीम का बादशाह जर्मून हम सबका दुश्मन है, वो हम पे किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। डेटॉल वॉरियर्स, तुम्हें अपनी और इस मुल्क की हिफाजत करना होगी। डेटॉल जेम्स लगा के हमें शिक शिक पावर मिलेगी। The Brave. Son of the Wise. The energetic. हम हैं डेटॉल वॉरियर्स। पाकिस्तान के बच्चों, आओ आज से अहद करें कि डेटॉल को बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें मिल सके 24 घंटे की जरासीम से लगातार हिफाजत, और हम डेटॉल की शिक शिक पावर से जर्मून को हरा सकें। डेटॉल वॉरियर्स, दिखा दो अपनी शिक शिक पावर। डेटॉल वॉरियर्स, दिखा दो अपनी शिक शिक पावर। मेले कुचेलो अटैक। Yeah!
अपनी सोर्स को मिलाना होगा। वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोनों टीम्स ग्राउंड में। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होने वाला है आखिरी बॉल और जीतने के लिए चाहिए 6 रन। कैप्टन आगे बढ़े और ये लगा छक्का। पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया। वेल डन पाकिस्तान। वेल प्लेड बॉयज। माना कि ये छक्का मैंने लगाया लेकिन असल मैन ऑफ द मैच ये डेटॉल वॉरियर्स है, इसलिए ये वर्ल्ड कप डेटॉल वॉरियर्स के नाम। थैंक यू डेटॉल वॉरियर्स। थैंक यू कैप्टन खान। फ्रेंड्स, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को जिताया है। डेटॉल की शिक शिक पावर लेकर हर बच्चा डेटॉल वॉरियर है, मगर जरासीम 24 घंटे हमारे लिए खतरा बने रहते हैं, इसीलिए हमें चाहिए डेटॉल की 24 घंटे वाली शिक शिक हिफाजत। इन गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। बाकायदगी से डेटॉल सोप से हाथ धोएं, डेटॉल सोप से नहाएं और आप भी बन जाएं डेटॉल वॉरियर। डेटॉल वॉरियर्स बनके हमें रहना होगा हर दम तैयार। चेक चेक, क्योंकि जब सेहतमंद होगा पाकिस्तान तभी तो बढ़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। सोच नहीं दम बड़ा। सो किड, क्या आप बनना चाहते हैं मेरी तरह डेटॉल वॉरियर? तो आज ही www.detolwarriors.com पर जाकर रजिस्टर करवाएं और पीओ बॉक्स 625 पर डेटॉल के लैपर्स भेजे और आप भी बन जाएं डेटॉल वॉरियर्स। शिट शिट, अब ना ले सागत को रखे साफ आंखों को, अब ना ले सागत को रखे साफ आंखों को। पता चला पढ़ाई में कदम बढ़ा है जिंदगी सफाई में कदम बढ़ा, अपनी ताकत पर यकीन रखती है ये सरजमी, अपनी ताकत पर यकीन रखती है ये सरजमी। अब तो तुम गए बच्चू। रेस, इसको छोड़ा तो तुम्हारी खैर नहीं। चल यार, इसको तो आउट समझो। क्या
तो हीरो निकले। हीरो तो मैं हूँ ही। बच्चों ने डेटॉल से हाथ धोना छोड़ दिया है, इसलिए जर्मोमीटर फुल हो गया है। आपका बादशाह आजाद, आपका बादशाह आजाद। शाबाश, तुम बच्चों की यही गंदी आदतें हमारे बादशाह को वापस ले आई। क्या टाइम आ गया? हाँ, वक्त आ गया है। अब हम अपने बादशाह के साथ मिलकर इतनी बीमारियाँ और जरासीम फैलाएंगे कि पाकिस्तान का बैंड बच जाएगा। छम छम छम, जरासीम फैलाने निकले हम, हमें रोकने का किसी में नहीं दम। आ जाओ बादशाह, कर दो सबको खत्म। अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं जरासीम की शहजादी जरासीमा। मैं जरासीम का बादशाह। अबे कद्दू, बादशाह ये है। मैं जरासीम का शहंशाह, नाम है नजलू। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। अब मैं दो गुना बड़ा और दो गुना खतरनाक बनकर शानदार चमकीली पैकिंग और उसी कीमत में। बहुत इंतजार था मुझे इस दिन का, जब मैं वापस आकर उन डेटॉल वॉरियर्स को खत्म कर सकूं जिन्होंने अपनी शेक शेक पावर से मुझे हराया था, मुझे। लेकिन अब मेरे बदले की आग उनको जलाकर खाक कर देगी और डेटॉल की 24 घंटे की लगातार हिफाजत भी उनको नहीं बचा पाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में जरासीम का राज होगा। ये डैम तो किसी भी वक्त टूटने वाला है। इस सैलाब के जरिए मैं मुल्क के कोने कोने में जरासीम फैला दूंगा। हर घर, हर पार्क, हर स्कूल को अपने मैले कुचैलों का अड्डा बना दूंगा और इस तरह हर तरफ होगी गंदगी। हर पाकिस्तानी होगा बीमार। अब ना रहेगी सफाई, ना बचेगा पाकिस्तान। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेजी से बीमारियां फैल रही हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में बीमार होने वाले लोग, खास तौर पर बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। अगर इस सैलाब और बीमारी फैलाने वाले जरासीम पर काबू ना पाया गया तो सूरत हाल बहुत खतरनाक हो जाएगी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें डॉक्टर डी से बात करनी चाहिए। डॉक्टर डी, आपने न्यूज़ देखी? हाँ सारा, मैंने देखी और मुझे डेटॉल की वेबसाइट www.detolwarriors.com पर भी कुछ रिपोर्ट्स मिली है। तुम लोग अभी मेरे लैब पहुँचो, मैंने सफाई जहाज भेज दिया है, वो तुम तीनों को सीक्रेट डेटॉल आइलैंड ले आएगा।
डॉक्टर डी की आवाज से लग रहा था कि कोई बड़ा मसला है। चलो चलो, चलो। डॉक्टर डी हम आ गए, प्लीज अब बताएं क्या हुआ है। मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था, मेरे पास एक बुरी खबर है, बच्चों की गंदी आदतें जरमून को वापस ले आई है। क्या? सिर्फ यही नहीं, जरमून ने इस बार पाकिस्तान को खत्म करने की ठान ली है। दरियाए सिंध में तेजी से सैलाब फैल रहा है, वो इस सैलाब के जरिए बीमारियां फैलाकर पाकिस्तान को तहस नहस कर देगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान को डेटॉल वॉरियर्स की जरूरत है। रुको अली। शाहिद भाई, ऑटोग्राफ प्लीज। मैं इस मिशन में तुम्हारा साथ देने आया हूँ। हमें डेटॉल का पैगाम लोगों तक पहुंचाना होगा ताकि वो डेटॉल वॉरियर बनकर जर्मून को खत्म करें और दीवार बनाने में मदद करें। ये सैलाब देख रहे हो, अगर इस सैलाब को रोकने के लिए यहाँ दीवार न बनाई गई तो पूरा पाकिस्तान सैलाब की लपेट में आ जाएगा। हमें डेटॉल की 24 घंटे वाली शिक्षक हिफाजत का पैगाम बच्चों तक पहुँचाना होगा ताकि वो डेटॉल वॉरियर्स बनकर जर्मून का मुकाबला करें और पाकिस्तान को बचाने के लिए दीवार बनाने में मदद करें। चलो वॉरियर्स, वक्त बहुत कम है। मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, मिशन में तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने डेटॉल की एडवांस टेक्नोलॉजी और उसकी 24 आवर नॉनस्टॉप प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करते हुए तुम लोगों की डेटॉल सोप्स को और पावरफुल बना दिया है। अली, तुम्हारे लिए अर्थ पावर, इस पावर के साथ जमीन तुम्हारे इशारों पर चलेगी। चेक, चेक। अली, the strong. सारा, तुम्हारे लिए लाइटनिंग पावर, इस पावर के साथ तुम किसी भी दुश्मन पर किसी भी वक्त बिजली गिरा सकती हो। शिट, शिट। सारा, the spark. ब्रिज, तुम्हारे लिए आइस पावर, इस पावर के साथ तुम भड़कती हुई आग को भी बर्फ बना सकते हो। शिक, शिक। रिज, द कूल। हम हैं डेटॉल वॉरियर्स। अब जाओ, डेटॉल की 24 आवर्स वाली शिक शिक पावर से जर्मून को हराओ। मार भगाने मैं हूँ आई। जरासीमा बाजी, मैंने क्या किया है? तुम नहीं कर, तुम डेटॉल वॉरियर्स। तुम्हारी सोच है सफाई जहाज, शेक शेक। अली ध्यान से, वो हमारे पीछे है, इसको अभी मदद चढ़ाते हैं। डेटॉल से कोई जरासीम बच पाया है? तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। यहाँ तो बीमारियाँ बहुत तेजी से फैल रही हैं। डेटॉल वॉरियर्स, सिर्फ डेटॉल की शिक्षक पावर से इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। बच्चों, जर्मून वापस आ गया है और वही हमारे मुल्क में बीमारियां फैला रहे हैं। डेटॉल की 24 घंटे वाली लगातार हिफाजत से ही उसको रोका जा सकता है। हाँ बच्चों, हर बार हाथ धोने और नहाने के लिए सिर्फ डेटॉल इस्तेमाल करो और डेटॉल वॉरियर्स बन जाओ ताकि जरासीम तुमसे कभी जीत ना पाए।
लगाओ शिक्षक का नारा, बचाओ पाकिस्तान सारा, लेट्स गो। कदम बढ़ा कदम बढ़ा, अब नारे स्वागत को रखे साफ आंखों को, अब नारे स्वागत को रखे साफ आंखों को। जरमून, खेल खत्म, अब तुम नहीं बचोगे। आवाज नीचे, तुम तीनों को ठिकाने लगाना, मेरे बाएं हाथ का खेल है। डेटॉल वॉरियर्स को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि जीत हमेशा सफाई की होती है। मैं तुम्हारी हर चाल जानती हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकती। इस बार मेरी हर चाल में बिजली, तुम देखती रह जाओगी। चूतियों की तरह मचल देंगे। देखते हैं कौन किसको मसलता है। हमारे इरादे मजबूत हैं। हम पाकिस्तान को हर कीमत पर बचाकर रहेंगे। इस मिशन में हमारे साथ पूरा पाकिस्तान और डेटॉल की 24 घंटे वाली लगातार हिफाजत की ताकत है। डेटॉल वॉरियर्स, मैं दीवार बनाने का जिम्मा लेता हूँ, तुम इस जंग को जारी रखो। तुम्हारा गुरूर मिट्टी में मिल जाएगा जरमून। इस बार हम डेटॉल की नई पावर के साथ आए हैं, इसलिए तुम अपनी मैली कुचैली आर्मी के साथ हारने के लिए तैयार हो जाओ। डेटॉल वॉरियर्स, हमने दीवार बनाकर पाकिस्तान को बचा लिया है। जम्मू कभी नहीं हारता, मैं वापस आऊंगा। डेटॉल वॉरियर्स, तुम्हें क्या लगता है जंग खत्म? ये तो शुरुआत है बच्चों। मेरे होते हुए ये दीवार खड़ी नहीं रह सकती। ये सेना तुम लोगों के इस प्यारे मुल्क को तबाह करने के लिए काफी है। अरे ये क्या, जर्मन ने दीवार तोड़ दी? अब तो सैलाब आ जाएगा और पाकिस्तान में गंदगी फैल जाएगी।
शेक शेक। जर्मून जब भी हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाएगा, डेटॉल वॉरियर्स डेटॉल की 24 घंटे की लगातार हिफाजत के साथ उसका नामो निशान मिटा देंगे। हाँ बच्चों, जब तक हमारे पास डेटॉल की 24 घंटे की लगातार हिफाजत है, तब तक हमें जरासीम से डरने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू डेटॉल वॉरियर्स, तुम बच्चों ने डेटॉल की 24 घंटे वाली शिक्षक पावर से पूरे पाकिस्तान को बचा लिया है। इस जबरदस्त कारनामे के लिए तुम तीनों को दिए जाते हैं ये डेटॉल वॉरियर गोल्ड मेडल। बच्चों, सफाई निस्फ ईमान है, इसलिए वादा करें कि डेटॉल का इस्तेमाल रोजाना करेंगे। थैंक यू शाहिद भाई, हमारा मिशन है सेहतमंद पाकिस्तान और इसके लिए मुल्क के हर बच्चे को बनना होगा डेटॉल वॉरियर। डेटॉल वॉरियर बनने के लिए रोजाना डेटॉल सोप से हाथ धोएं और नहाएं। तो किस बच्चे में है हिम्मत डेटॉल वॉरियर बनने की, और कौन रखता है जज्बा पाकिस्तान को बढ़ाने का? आगे बढ़े और अभी DettolWarriors.com पर रजिस्टर करके Dettol Warriors बन जाएं। क्योंकि जब सेहतमंद होगा पाकिस्तान, तभी तो बढ़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। शेक शेक। सोच नहीं काम बड़ा, सोच नहीं काम बड़ा, कदम बढ़ा कदम 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 Dettol Warriors. Little Gems Academy के स्पोर्ट्स डे में खुश आमदीद। आज कोई आम दिन नहीं, आज जीतने का दिन है और ऑडियंस भी है सुपर एक्साइटेड। तो हो जाए रिलीज। On your marks, get set, go! ग्रीनहाउस कैप्टन अली हमेशा की तरह सबसे आगे। अली ने सबसे पहले बैटल पास की और ये आया रेस और ये क्या रेस। फाइनली बैट ऑन पास हो गई फाइनल रनर्स को। सारा और अलीजे में बहुत टफ मुकाबला है। अलीजे आगे, कोई अपसेट होने वाला है। ग्रीन हाउस विंस। हम जीत गए। ये हुई ना बात, सिर्फ मेरी वजह से। क्या चोट तुम्हारे दिमाग पर लगी है शायद? आंटी छोड़े इसे, अदा फर्ज है, खाना खिलाना आपका फर्ज है। जरूर, पहले सब जाओ और अच्छी तरह डेटॉल से हाथ धोकर आओ। हाथ तो धो लो इमरान।
सोच लो, डिटॉल की शिक्षक प्रोटेक्शन नहीं होगी तो खौफनाक जरासीम तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। कोई नहीं, देखो साफ है मेरे हाथ, कोई जरासीम नजर आया? जर्म्स तो छुपे होते हैं ना, डिटॉल इनसे प्रोटेक्ट करता है, वो भी पूरे 24 घंटे लगातार। उफ, बोरिंग बातें, मुझे नहीं बैठना यहाँ। अरे रुको, मैं जानता था मेरा प्लान जरूर काम करेगा। देखो, बच्चों की गंदी आदतों की वजह से जर्मोमीटर फुल हो गया है। अब मेरे दिखाई ना देने वाले जरासीम सिर्फ बीमारियां फैलाएंगे। जरासीम के बादशाह, बीमारियों के आलम पना, आपका यही प्लान करेगा सबकी टॉय टॉय फी। नजलू, ये क्या कर रहे हो? डस्टिंग, और क्या? तुम सफाई वाली मासी नहीं, जरासीम हो। जरासीम, गंदगी हमारा घर है, समझे? नजले की दुकान। ये देखो, जिसका था इंतजार, ये है वो शाहकार, मेरी मैजिक मशीन। आखिर जर्म मास्टर जर्मून नाम है मेरा, आया हूँ तो सफाई का बैंड बजा कर ही जाऊंगा। कहाँ गया वो लंबू? यही तो है मैजिक मशीन की पावर, जिससे मैले कुचैले जब चाहे गायब हो सकते हैं। हाय, किसने मारा? इसी तरह डेटॉल वॉरियर्स को भी कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनकी हड्डी पसली किसने तोड़ी। हर शहर हर मोहल्ले में अब और तेजी से फैलेंगी बीमारियां, और असल मजा आएगा जब जर्मर्स मारेगा एंट्रियां और पाकिस्तान में बजेंगी खतरे की घंटियां। जर्मर्स पाकिस्तान से टकराने ही वाला है, डेटॉल वॉरियर्स अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। लाया हूँ प्लान निराला, गेम है पलटने वाला, खतरे की घंटी बजी है, कोई नहीं बचने वाला। नजर को धोखा दिया है, पंगा ही ऐसा लिया है, आवाम रोती है बीमार होके चीख खास के। इसको नजला दू आछू, सबको मजा चखा कर, मुल्क का सीन हुआ गमगीन, जर्माज की टक्कर लगा कर। इसको नजला दू आछू, सबको मजा चखा कर, मुल्क का सीन हुआ गमगीन, जर्माज की टक्कर लगा कर। ट्रेनिंग रूम एक्टिवेटेड। वॉरियर्स, अलर्ट हो जाओ, मेरे सेंसर्स के मुताबिक एक जरासीम डेटॉल के आइलैंड पहुंच गया है और तुम लोगों के आसपास है। क्या? यहाँ? कैसे? इम्पॉसिबल। मम्मी भूत। रेस, हीरोइन ना बनो, चुप करो। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आई एम कूल। आप मिचोली बहुत हो गई। डॉक्टर जी, ये सब क्या हो रहा है? सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है वॉरियर्स, रिपोर्ट्स मिली हैं कि पूरे मुल्क में बच्चे बहुत तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि इस सब के पीछे जर्मून ही है, वही अपने मकसद के लिए सफाई से लापरवाह बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। हमें सब बच्चों तक डेटॉल की 24 घंटे की लगातार हिफाजत पहुँचानी होगी। हमें कुछ भी कर इसे रोकना होगा। चलो वॉरियर्स। रुको वॉरियर्स। शाहिद भाई,
दिखाई न देने वाले मैले कुचेलों से लड़ना आसान नहीं। जो भी हो शाहिद भाई, हमें ये करना है। आज पाकिस्तान के लोग मुश्किल में हैं, तो हम उन्हें बचाएंगे हर हाल में, हर कीमत पर। शिक्षे, अब ये कौन सा विलन आ गया? ओह नो, जर्मून तो अपने पूरे प्लेनेट के साथ इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब वो सिर्फ अपने जर्मोमीटर के फुल होने का इंतजार कर रहा था। अगर जर्मार्स यहाँ टकरा गया तो कुछ ही मिनट में पाकिस्तान जरासीम के कब्जे में होगा। हमें जो करना है जल्दी करना है। जर्मार्स 24 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं? पाकिस्तान के बच्चों को सेहतमंद बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर और डेटॉल पर छोड़ दो। तुम लोग जाओ, जर्मार्स को रोको। इसको स्टडी करके मैं समझ गया हूँ कि ये नए मैले कुचेले कैसे गायब हो जाते हैं। इसलिए मैंने तुम लोगों के डेटॉल सोप्स की 24 आवर्स टेक्नोलॉजी को हाईली अपग्रेड कर दिया है। जब तक तुम लोगों के पास डेटॉल की शिक्षिक पावर्स और 24 घंटे की लगातार हिफाजत है, मैले कुचेले तुमसे जीत नहीं सकते। अब शाहिद अफरीदी सफाई जहाज लेकर बीमार बच्चों के पास जाएंगे और तुम लोगों को डेटॉल रॉकेट जर्मार्स की तरफ ले जाएगा, जिसे रोकना तुम्हारा काम है। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज जरासीम सिर्फ इसलिए इतने ताकतवर हैं क्योंकि हम रोज डेटॉल इस्तेमाल करना भूल चुके हैं, लेकिन डेटॉल वॉरियर्स डेटॉल की 24 घंटे की लगातार हिफाजत के साथ जरासीम को कभी जीतने नहीं देंगे। इस वक्त भी अली, सारा और रिज जर्मून को खत्म करने के मिशन पर निकल चुके हैं। अगर आप सब भी वॉरियर्स की मदद करना चाहते हैं तो बाकायदगी से डेटॉल सोप से हाथ धोएं, नहाएं और डेटॉल वॉरियर बन जाएं। सोच नहीं, काम बड़ा, कदम बढ़ा, कदम बढ़ा, अब नारे सादत को रखे साफ आंखों को, अब नारे सादत को रखे साफ आंखों को। करीब है। ओह, तब कितने प्यार से इंतजार कर रहे हैं। तो चलो जरा शिक्षक एंट्री दें। जबरदस्त डेटॉल वॉरियर्स, हम सब ने कर दिखाया। नए मैले कुचेलों की कहानी खत्म। शिक शिक। अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है वॉरियर्स, संभाल लेना, संभाल लेना। वॉरियर्स, तुम लोग सिर्फ दो चार मैले कुचेलों को ही हरा सकते हो, क्योंकि मुझसे पंगा तो क्या, तुम जर्मार्स को भी जिंदा नहीं छोड़ पाओगे। जर्मू, अफसोस का नहीं, ये शिक्षक का टाइम है। नज़लू, चिल करो यार।
फैसला हो गया है जर्मून, तुम हार गए हो। और हमेशा की तरह डेटॉल की 24 घंटे की लगातार हिफाजत और सफाई की ताकत जीत गई है। इतनी आसानी से नहीं। डरपोक, सामने आओ। अली बच्चो, वो तुम्हारे सामने है। कहा था कि हम जर्मास को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि हम तुम्हारे साथ इसको भी तबाह कर देंगे। ने मार डाला। डेटॉल वॉरियर्स, मैं सबकी तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम लोगों ने एक बार फिर जर्मून को हराकर पाकिस्तान को बीमारियों के तूफान से बचाया है। इस कारनामे के लिए तुम लोगों को दिए जा रहे हैं डेटॉल गोल्ड मेडल्स। थैंक यू शाहिद भाई, डेटॉल मेडल हासिल करना हमारे लिए फखर की बात है। हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, जिसमें हमारी ताकत बनी डेटॉल की 24 घंटे की लगातार हिफाजत। लेकिन वो तमाम बच्चे जिन्होंने डेटॉल सोप रोजाना इस्तेमाल किया, असल में उनकी वजह से हमें जीत मिली है, इसलिए हम आप सबको थैंक यू कहना चाहते हैं। शेक शेक।